हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कालाजार। कालाजार का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? लिशमेनिया डोनोवेनी की वजह से होता है। और जिसका ट्रांसमिशन होता है यानी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को लेके जाने का काम कौन कर रही है? सैंड फ्लाई। इसको हम डम डम फीवर भी बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 3 मंथ्स का। ये मोस्टली कहाँ किस एरिया में देखने को आपको मिलेगा? जैसे बांग्लादेश और अगर इंडिया में है तो यूपी बिहार वाला जो एरिया है वहां ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या है आप कालाजार की? फीवर होगा, फीवर जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है। डबल राइज ऑफ फीवर इन अ डे विद चिल्स, यानी 2 बार फीवर है जो राइज होगा और चिल्स होंगे साथ में। एब्डोमिन पेन, डायरिया, ब्लीडिंग हो सकती है चाहे वो एपिस्टेक्सिस हो या गम ब्लीडिंग हो, डार्कनिंग ऑफ द स्किन और कैनक्रम ऑरिस एक कंडीशन हो जाती है, अल्सरेटिव लीजन हो जाते हैं माउथ के अराउंड में, उसको हम बोलते हैं कैनक्रम ऑरिस। वेट लॉस होता है विदाउट लॉस ऑफ एपिटाइट। पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है लेकिन एपिटाइट यानी भूख सही लग रही है उसको। स्प्लीनोमगैली बहुत मैसिव होती है पेशेंट में, हिपेटोमगैली भी मिलेगी, लिम्फेडिनोपैथी भी। जो स्प्लीनोमगैली और हिपेटोमगैली का रेशियो है, जैसे स्प्लीनोमगैली 2.5 और जो हिपेटोमगैली 1, यानी इससे 2.5 गुना ज्यादा स्प्लीन जो है वो साइज में बड़ा हो जाएगा, स्प्लीनोमगैली ज्यादा दिखने को मिलती है। फिर आती है इसको आप डायग्नोज कैसे करोगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? बेसिक तो जो है सीबीसी हमने कराना है, पैन साइटोपीनिया मिलेगा, ब्लड स्मियर टेस्ट कराना है फॉर एलडी बॉडीज। एलडी मींस लिशमेनिया डोनोवेनी, तो एलडी बॉडीज के लिए ब्लड स्मियर कराना है हमने। मोंटेनेग्रो टेस्ट होता है इसके लिए, ब्लड कल्चर एलिसा टेस्ट हम करा सकते हैं। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमें क्या देना है? सोडियम एंटीमनी कंपाउंड्स देते हैं हम 20 mg/kg ओडी के हिसाब से, या फिर एम्फोटेरिसिन बी है जो 0.5 to 1 mg/kg पर डे के अकॉर्डिंग देते हैं। जब हम ये ड्रग्स पेशेंट को दे रहे हैं, मतलब सोडियम एंटीमनी कंपाउंड और एम्फोटेरिसिन बी, तब पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज ये थोड़े नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, तो इसके लिए कि किडनी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं आ रहा, इसलिए हमें जो है वो किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए पेशेंट का। या फिर इसके अलावा मल्टीफोजिन एक मेडिसिन है, 50 to 100 mg ओडी लेनी है 28 डेज के लिए। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कालाजार। थैंक यू।